वी आर बैक ऑन स्क्रीन। अगर आप देखोगे ना बैंक निफ्टी में इसका चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थोड़ी देर पहले चार्ट को समझते हैं फिर स्ट्रैटेजी पे चलेंगे। आप देखोगे ना यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है मई जून के आसपास, ठीक है। उसके बाद से ये वाला जो सपोर्ट एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी में। अगर देखोगे इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा था इसको ब्रेक करने के लिए, बट जैसे इसमें आपको ब्रेकआउट मिला है उसके बाद देखो यहाँ से बैंक निफ्टी कहाँ तक गई है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और देखो कहाँ से कहाँ तक गई है। इनफैक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिला था, इस वाले एरिया में हमें ब्रेकआउट मिला था, ओके। उसके बाद देखोगे अगर इस वाले एरिया में इसको बैंक निफ्टी एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फिर इस लेवल से देखो मार्केट कहाँ पर आया, फिर वापस से इसी लेवल को टच करने के लिए आया, लेकिन वापस से यहाँ से आपको एक बाउंस देखने को मिला, कहाँ तक, वापस उसी रेजिस्टेंस तक, फिर यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिली है एंड वापस बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है इस वाले एरिया में। दो बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, वॉल थोड़ी वीक हो चुकी है, ठीक है। कोई स्ट्रांग सेलिंग अगर देखने को मिली और अगर ये वाला जो है सपोर्ट लेवल अगर ये बड़े कैंडल से ब्रेक होता है और सर्वाइव कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, देन यू विल कम टू से फर्दर सेलिंग। ऐसे भी देख रहे हो आप ना ग्लोबल जो टेंशन चल रहा है वॉर वाला, उसमें हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, इसलिए अभी आपको सतर्क रहना है और जो क्या स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ओके। सो ये ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे कई बार टच करने की कोशिश किया, देखो एक दो तीन दो तीन बार तो यहाँ पे हो गया, वापिस से यहाँ पे एक बार टच करने इस लेवल को टच करके वापिस से ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखोगे तो चार पाँच बार इस लेवल को ऑलरेडी टच करके बैंक निफ्टी एक अच्छा बाउंस दिया है आपको। सो दिस कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अंटिल एंड अनलेस ये एक बड़े कैंडल से ब्रेक हो, अगर ये ब्रेक होता है देन विल सी के नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट कोई अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, टिल देन इसको सपोर्ट मानते हुए आप अपसाइड वाली पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना इसके पॉइंट 46,400 के आसपास का रेजिस्टेंस आ रहा है और 43,700 के आसपास का सपोर्ट आ रहा है। सो वी आर वेरी नियर टू सपोर्ट बट वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी आर रेजिस्टेंस। तो अभी हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि देखो वॉर वाला टाइम चल रहा है, टेंशन चल रहा है ना, ओवरनाइट पोजीशन आपको अवॉइड करना है। अगर ओवरनाइट पोजीशन आप ले जा रहे हो तो पूरा हेज करके ले जाना, बट यू नेवर नो कि क्या होने वाला है ओवरनाइट, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे ना तो ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है और ये आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में यही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो अगर ये वाला लेबल देखोगे तो ये लेबल क्या आता है, चलो देखते हैं। ये वाला लेबल अगर आप देखोगे तो ये है 44,800 के आसपास और वापिस से सपोर्ट हमारा 43,800। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल सकती, ये वाला रेंज, ये स्मॉल रेंज में देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी। ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो वापस इधर बैंक निफ्टी आपको जाती हुई दिखेगी, फिर क्या होगा इस वाले बॉक्स में, इस वाले टेरिटरी में मूव कर जाएगा बैंक निफ्टी, ओके। सो अभी क्योंकि देखो ये बहुत सिंपल सा हमने एनालिसिस किया, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न हमने नहीं लगाया, यहाँ पे हमने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि बाकी दूसरी चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बहुत क्लियर दिख रहा है बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है, ओके। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो देखो ये जो हमने बाद में यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था, देखो इसी में घूम रहा है बैंक निफ्टी, है ना, यही वाला एरिया में इसी को दायरा बना रखा है। तो होगा क्या, या तो ये वाला लेबल ब्रेक होगा बड़े कैंडल से, या ये वाला लेबल अगर ब्रेक होगा तो निफ्टी फिर ये बैंक निफ्टी फिर ये वाली टेरिटरी में आ जाएगी। तो फिलहाल आपको क्या करना है, ठीक है, आपके पास सपोर्ट है, ये पहला रेजिस्टेंस है आपके पास, फिर दूसरा ऊपर रेजिस्टेंस इधर आपको देखने को मिल रहा है। आई वुड सजेस्ट कि ये जो कमिंग वीक है थोड़ा क्रूशल हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, प्लस जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है ग्लोबल जो टेंशन चल रहा है, जो वॉर वाली स्थिति बनी हुई, ओके। सो एनी टाइम कोई भी न्यूज़, बड़ी न्यूज़ आ सकती है, तो आप जब भी काम करो अभी तो हेजिंग में काम करो, इंट्राडे भी कर रहे हो तो, ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हो तो फुल हेज करके जाओ, अदरवाइज मत कैरी करो। नेक्स्ट वीकली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रोज़ पोजीशन बनाओ और रोज़ उसको स्क्वायर ऑफ करके जाओ। 9:45 के पास आपने पोजीशन बनाई और 3 बजे के आसपास तक आप पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो, ओके। सो क्या स्ट्रैटेजी रह सकता है कमिंग वीक के लिए, आप क्या कर सकते हो ना, एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेचो, ठीक है।
मतलब स्ट्रैडल बनाओ और स्ट्रैडल को हेज करो, ठीक है। तो स्ट्रैडल को हेज कैसे कर सकते हो, कमिंग वीक के लिए क्या रहेगा कि लेट से कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 44,000 कहाँ पे आई है, 44,400 के आसपास आई है ना, तो 44,350 के आसपास आई है। तो 44,300 वाली हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देख लेते हैं, ये 43,000 हो गया ना, 236 236। देखो अभी ये टाइम नहीं कि सिर्फ स्ट्रैडल बना के काम किया जाए, ठीक है। कोई एक बिग मूव आ गया तो आप इसमें ट्रैप हो जाओगे, तो इसको आप हेज करके जाओ। अब हेज कैसे करना है, हेज इन द सेंस कि आप इसको या तो आयरन फ्लाई भी बना सकते हो, ठीक है। आयरन फ्लाई आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो इन द मनी को बाई करके या आउट द मनी बाई करके। तो आपको पता है आयरन फ्लाई एट द मनी बाई, सॉरी आयरन फ्लाई जो आउट द मनी बाई करके हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जैसे ये आपका ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन नीचे क्या है 43,800, ऊपर का 44,791 मतलब 44,800 के आसपास। तो आप एग्जैक्ट देखोगे ना तो ये हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, ये ब्रेक इवन कहाँ आ रहा है, जहाँ हमारा पे सपोर्ट है और जहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, ओके। व्हेनेवर दिस इज ब्रेकिंग स्पेशली ध्यान रखना डाउन, ये वाला 43,800-700 ब्रेक करता हुआ दिखे बड़े कैंडल से और सर्वाइव कर रहा है, तो आपको पोजीशन से एग्जिट होना या इमीडिएट आपको एडजस्ट करना है, ओके। सो व्हाट यू कैन डू इज आप इसको ना हेजिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप से लगाओ। आप 44,300 की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेचा है आपने, तो पुट ऑप्शन आप बाई करके जाओ 44,500 वाली, ये बाई करो आप, ओके। और 200 पर ऊपर बाई किया ना, और कॉल ऑप्शन आप बाई करो 4,400 वाली, ओके। इस तरह से इसको हेज करके अभी काम करो जब तक के वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर मार्केट में रेंजबाउंड एक्टिविटी दिखी तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाने वाला है। जैसे आप लास्ट वीक देखोगे, लास्ट वीक पूरा आप 3-4 दिन का ट्रेडिंग सेशन देख लो, यहाँ पे आपको इसी रेंज में देखने को मिला है। तो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक में आपको कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, बट अगर मार्केट, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ओवरनाइट पोजीशन आपको कैरी नहीं करना है। मार्केट अगर यहाँ पे ही घूमता हुआ मिल गया ना आपको, तो डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिख जाएगा। इवन अगर आपने जो मार्जिन यहाँ पे लगाया है ट्रेडिंग में, ठीक है, अगर मार्जिन का आपको रोज 1% 2% में मिल जा रहा है, विच इज़ क्वाइट इनफ, ओके। सो दिस कैन बी पावरफुल स्ट्रेटजी आयरन फ्लाई अगर इस तरह से बनाते हो। देखो इसका एडजस्टमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, विच वी आर मेकिंग यू लर्न क्लासेज, जो हेजिंग वाली क्लासेज चल रही है, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई क्लासेज। सो आयरन फ्लाई को 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है, इसका 2-3 तरह का एडजस्टमेंट भी है, ओके। सो उसमें से एक मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज यू नो अभी जो स्थिति वो सही नहीं, ओके। सो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। चलो इसको मैं अगर हटा दूँ यहाँ पे, ठीक है, इस दोनों को मैं यहाँ पे हटा दूँ, तो इस तरह का भी आप आयरन फ्लाई बना सकते हो। आपको हेजेस कहाँ पे लगाना है, 43,800 एंड 44,800, ठीक है, 44,800 पे आ जाओ, 43,800 की पुट ऑप्शन पे यहाँ पे आपको हेजेस लगाने, ठीक है, और अप साइड में 44,800 पे लगाने, ठीक है। ये भी एक आयरन फ्लाई, ये आपने आयरन फ्लाई बनाया, इसमें क्या आपको रेंज थोड़ा सा और बड़ा मिल जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। सो दिस इज द आयरन फ्लाई। अगर आप देखोगे ना दोनों में फर्क क्या है, अगर इसमें बना रहे हो ना आप, तो आपका ब्रेक इवन बहुत आपको अच्छा मिल रहा है, उसमें ब्रेक इवन थोड़ा 44,100 से लेके 44,500 तक, अगर इसमें देखोगे ना 43,964 से लेके 44,636, तो नियर बाई हमारा जो क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है ना, नियर बाई वहाँ पे ही आ रहा है हमारा सपोर्ट क्या था 43,700-800, यहाँ पे आ रहा है 43,964, अपसाइड 44,700-800 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है, तो वही ब्रेक इवन आ रहा है, लगभग थोड़ा सा अप एंड डाउन है। तो डे आप है ना अभी रोज पोजीशन बनाओ, रोज आप स्क्वायर ऑफ करके जाओ, ओवरनाइट कैरी मत करो, बट अगर आप चाहते हो कि आप रिस्क लेना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, बट माई सजेशन कि अभी जब तक वॉर वाली स्थिति थम ना जाती तब तक आप डेली पोजीशन कैरी करके मत जाओ, काट के जाओ, ओके। सो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन कमिंग वीक कि आप डेली बनाओ और डेली एग्जिट करके जाओ और सेल करके पोजीशन बनाओ, ठीक है ना। मार्केट क्या है एक तरह से अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा ड्रा कर भी रखा है और अपना काम ये करते जा रहे हैं, ठीक है। सेलर आर मेकिंग मनी, बट एट द सेम टाइम जो पैसा बनाया है आपने या बनाने वाले हो, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा गैप अप और गैप डाउन में आप अपने पैसे गंवा दो। सो हेजेस लगाना आपको बहुत ही ज़रूरी, ओके। सो दिस कैन बी वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजी इन कमिंग वीक, इस पर हम पूरा वीक काम करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, आप अपने
जो एडवाइज़र, उससे भी सजेशन ले सकते हो क्या हमें स्ट्रैटेजी ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड देन गो फॉर दिस. दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. ओके, सो विल मीट नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.